माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि मेरे यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे बनाएं, आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा उद्योग लगेंगे तो स्वतः ही आम आदमी को रोजगार मिलेंगे। उसके लिए हमारा जिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल में जिला है और खनिज की अपार यहाँ व्यवस्थाएं हैं। चाहे आप किधर से भी देखो, आज व्यवस्थाओं के लिए उद्योग में देखो, पानी भी है हमारे यहाँ, जमीन भी है और यहाँ लोग करने वाले, काम करने वाले नौजवान भी है। सबसे बड़ी बात है हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, जो क्षेत्र हमारे गांव से दूर है उस क्षेत्र को आरक्षित करके उसके अंदर अच्छे उद्योग लगाए। गांव से दूर की एक आपने मांग भी की, ओरण बचाने की भी मांग की, क्या कुछ इन्वेस्टर से बातचीत हुई? हमें निवेदन यूँ करना चाहता हूँ, ओरण एक पर्यावरण के लिए जरूरी है, उद्योग के साथ साथ ओरण भी होना जरूरी है ताकि हमारे उद्योग में हमारी मवेशी वितरण कर सके, हमारा क्लाइमेट साफ रखे, आने वाला समय के लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, उद्योग के साथ इसकी जरूरी है। मैं चाहता हूँ किस विशाल क्षेत्र में जो अपार व्यवस्थाएं खनिज की है उसके साथ में ये उद्योग लगना चाहिए ताकि यहाँ के रोजगार मिले। और वैसे देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि मेरे लोगों को, आम जन जो आने वाली पीढ़ी 60% जो नौजवान है उनको रोजगार अच्छा मिले ताकि मेरे देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, देश विश्व गुरु की श्रेणी में आए। गांव से दूरी के लिए भी कहा गया, गांव से दूरी इसलिए कहा, आने वाला भविष्य गांव बढ़ता है, शहर बढ़ता है, तो उसके लिए विशेषकर उद्योग लगे गांव से दूरी में लगे ताकि किसी भी प्रकार की वो समस्या पैदा नहीं हो कि कहीं आने वाला विकसित जो गांव बढ़ेगा वो कैसे बढ़े। इसके लिए मैंने विशेषकर प्रशासन से कहा है, हमारी सरकार के आदरणीय प्रभारी मंत्री जी इनसे भी निवेदन किया है कि ये हमेशा इस प्रकार का मूवमेंट रखें ताकि गांव से थोड़ा दूर रखें ताकि उद्योग भी चल सके और हमारा काम भी चल सके, बेरोजगारी भी मिटे। बहुत सारा संभावना है आज की इस इवेंट के साथ में, हमारी संभावना खड़ी हुई है क्योंकि जैसलमेर के अंदर सब कुछ है, भगवान की कृपा है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति एवं जो खनिज आपदा बहुत अपार संपदा है खनिज की, उन सबको देखते हुए यहाँ हर प्रकार से स्कोप है और सरकार ने जो पहल की है, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राजस्थान सरकार का और उससे भी ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका सपना है कि भारत विश्व गुरु हो, विकसित भारत, सक्षम भारत और समृद्ध भारत हो, उसके अंतर्गत हम सबको 2047 के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और जैसलमेर के अंदर अपार संभावना है, उनको तराशते हुए आज का इवेंट हमारा सफल रहा। में जिस तरह से दो नए क्षेत्र से जो है प्रस्ताव है बढ़ियाणा में जी, तो क्या लगता है किस तरह पोकरण का भी विकास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय के साथ साथ पोकरण एक जो है वो बड़ा क्षेत्र। हाँ, पोकरण क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, पोकरण में भी बहुत बड़ी संभावना हर प्रकार से है, सौर ऊर्जा को लेकर के भी है, खनिज को लेकर के भी है और वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी अपार संभावना है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी दो जगह को चयनित किया है और भी संभावना है कि बहुत कुछ होगा वहाँ।